नेपाल में आए भूकंप के बाद यूं तो सारा हिंदुस्तान और नेपाल हिल गया है, लेकिन इस चीज ने इफेक्ट किया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी। जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर सेलिब्रिटीज अपने सारे दिल के अरमान ट्विटर पर ही जाहिर कर देते हैं, जिनमें शायद सबसे आगे हैं अमिताभ बच्चन साहब। लेजेंडरी एक्टर अपने फैंस से ट्विटर के साथ साथ और भी कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए जुड़े रहते हैं। इस बार भी उन्होंने जहां नेपाल के अर्थक्वेक के दौर से गुजर रहे लोगों के लिए कुछ ट्वीट्स किए थे, वहां कुछ लोगों ने ये कमेंट कर दिया कि अमिताभ बच्चन सिर्फ इसे पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, वो एक्चुअली सिंपथाइज्ड नहीं है। बहुत ही जल्द बच्चन साहब की फिल्म पीकू रिलीज हो रही है और फैंस ने शायद इसे ही मद्देनजर रखते हुए बच्चन साहब पर यह इल्जाम लगा दिया और उसके बाद बच्चन साहब ने अपना गुस्सा जाहिर किया ट्विटर पर। उन्होंने साफ लिख दिया था कि दे कमेंट, आई राइट अबाउट इट फॉर कमेंट एंड सिंपैथेटिक पब्लिसिटी। इडियट्स, दे नीड टू बी सेंट टू द ट्यूब फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स एंड मेड टू लैंग्विश इन दैट ऑर्डर्ड कीचड़ दैट कलर्स देयर इनसाइड। Some other in the other medium slither in the scum of incognito at garbage and wish to learn what I do in a capacity to help and care to those that remain stranded and scared, blemished by nature as it shakes in its slumber. बच्चन साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो सेंसिटिविटी का मजाक कभी नहीं उड़ाते। He's a legendary actor और पब्लिसिटी की उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनरली जो हमेशा काम और सूदिंग तरीके से अपने फैन से बात करते हैं, उन अमिताभ बच्चन साहब का इस तरह से गुस्सा होना वाकई एक अलग बात थी और इसे खुद बच्चन साहब ने एक्सेप्ट भी किया। बाद में उन्होंने लिखा था कि देयर इज अ डिस्टेस्ट इन माय वर्ड्स टुडे, माय अपोलॉजीज। लेकिन उनका ये मानना है कि ये करने की उन्हें जरूरत थी क्योंकि गुस्सा निकालना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का इस तरह से गलत लिखना इट इज वेरी रॉन्ग और उन्हें रोका जाना भी जरूरी है। हम जानते हैं कि बच्चन साहब किसी भी ऐसे सेंसिटिव इशू का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए नहीं करेंगे, तो उनके फैंस को ये बात ध्यान रखनी चाहिए।